गाइस स्वागत है आज के इस एपेक्स ग्रेफाइट 999 के रिव्यू वाले वीडियो में। थोड़ा सा मैंने बताया था कि मैं फ्लिपकार्ट से आपको ख़रीद के आपको दिखाऊंगा कि फ्लिपकार्ट वाले जो बेचते हैं वो क्या एकदम ठीक ठाक है। तो यार ये वाला वीडियो फ्लिपकार्ट वाले प्रोडक्ट का है, लेकिन मैंने जो पहला वाला जो लिया था मैंने ये अलग सा ख़रीदा, अलग से ख़रीद के मैंने एक अलग सा मैंने स्ट्रिंग लगाया, ठीक है ओके BG66 अल्टीमेक्स। तो यहाँ पे जो है फ्लिपकार्ट वाले जो भी सेलर है उन्होंने जो स्ट्रिंग लगा के भेजा बेचते हैं मैं उसी का मैं रिव्यू बताऊंगा ओके। हिंदी थोड़ा गड़बड़ है तो यार थोड़ा सा मैनेज कर लियो। तो ये कवर आपको मिलेगा बहुत ही घटिया एज़ यूजुअल, मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि यार बहुत ही घटिया वाला कवर है और आपको यहाँ पे शायद आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन यहाँ अच्छे वाले 360p या 480p पे लगा के वीडियो देखिए तो आपको ये वाला दिख जाएगा। जो बॉडी प्राइस है वो 1999 है जो लगभग 2K है, लेकिन ये आप मेरे दिए हुए लिंक पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर जाके आप क्लिक करके आप देख सकते हो कि ये आपको कितने का पड़ेगा, ठीक है लगभग 1K के नीचे आपको मिल जाएगा। मैंने ये बहुत ही सस्ता मैंने ख़रीदा है यार, इस बजट में आपको इससे अच्छा रैकेट आपको कहीं नहीं मिलेगा। और मैं जो ये वाला वीडियो जो बना रहा हूँ ना एपेक्स ग्रेफाइट 999 का वीडियो जो है आपको और कहीं नहीं मिलेगा, पूरा यूट्यूब पे मेरे जैसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा ओके। तो गाइस फ्लिपकार्ट का जो रैकेट है जो मैंने फ्लिपकार्ट से ख़रीदा है ये बहुत ही अच्छा है, आपको मैं अभी दिखाता हूँ। एकदम ठीक ठाक है, एकदम पूरा अच्छा है, कहीं से भी टूटा नहीं है, कहीं से भी शायद स्ट्रिंग एकदम पूरा ठीक ठाक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ग्राफिक्स यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ग्रेफाइट 999, शायद जूम का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, मोबाइल से शूट कर रहा हूँ ऑफकोर्स। तो ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रेफाइट 999 और यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे भी आपको प्राइस मिलेगा 1999। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो शायद अभी आपको दिख रहा होगा ओके। तो अभी दिख रहा है 1999 आपका मतलब बॉडी प्राइस है ओके। तो अभी मैं आपको स्ट्रिंग टेंशन आपको सुनाऊंगा, तो यार हेडफोन्स पहन के यार वीडियो देखना ओके। हेडफोन्स पहन लेना, थोड़ा सा दिक्कत होगा, आवाज़ आएगा बैकग्राउंड से क्योंकि मेरे मम्मी पापा जो है वो अभी टीवी देख रहे हैं। यार मैंने जो BG66 अल्टीमेट जो मैंने लगाया है जो स्ट्रिंग है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यार जो फ्लिपकार्ट ने जो भेजा है वो उससे भी ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं मैच खेलने के बाद आपको पूरा रिव्यू आपको दूंगा ठीक है। तो आप थोड़ा सा अभी वेट कीजिए ओके। तो ये रहा मेरा जो रैकेट है, मैंने इस पर थोड़ा सा एक पुराना एक ग्रिप भी चरा रखा है। तो मैं ये वाला रैकेट का आपको मैं सुनाता हूँ फिर से, सुनिए एकदम हेडफोन लगा के सुनिए। और अभी ये वाला आप सुनिए फिर से, तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। देखा मतलब बहुत ही बढ़िया आवाज़ है, जो साउंड है ना वो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अपने अपनी चॉइस है। लेकिन BG66 अल्टीमेक्स का जो कंट्रोल है, क्योंकि ये 65mm का है तो वो भी बहुत अच्छा है। तो ये मैं 350 यूज़ नहीं करता, मैं 2000 यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे 2000 का जो फ्लाइट है और जो ड्यूरेबिलिटी है वो मुझे 350 से मुझे ज़्यादा मतलब मेरे हिसाब। मैं तो आउटडोर में खेलता हूँ क्योंकि चार तरह के प्लेयर्स होते हैं मेरे हिसाब से, बिगिनर, इंटरमीडिएट और प्रोफेशनल। और जो मैं हूँ सीजनल प्लेयर, मतलब सिर्फ सीजन्स पे ही खेलता हूँ विंटर सीजन में ठीक है। अगर आप लोग भी खेलते हैं आउटडोर सिर्फ विंटर में तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। तो आप सुनिए इसका आवाज़, आप सुनिए BG66 अल्टीमेक्स मैंने इसमें लगा के रखा है, इसका आप आवाज़ सुनिए ओके। थोड़ा बहुत ही गंदा प्लेयर हो आप, यार वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन यार ट्रस्ट मी यार यू गाइज विल लव इट। अगर कोई भी एपेक्स 999 लेने की सोच रहे हैं ग्रेफाइट 999 तो यार ये वीडियो पूरा देखना यार, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा यार, पूरा देखना यार। आप अगर 1000-1500 जितना भी आप खर्च रहे हो तो यार पूरा जानकारी लेके यार वो पैसा लगाओ ठीक है। तो अभी मैं इसे ये आप साउंड सुनिए, तो अभी मैं इसे वॉल पे आपको मार के, क्योंकि कोई लोग है जो वॉल पे प्रैक्टिस करते हैं तो यार इससे आपको आवाज़ थोड़ा सा
अच्छा सुनाई दे। तो अभी मैं फ्लिपकार्ट का आपको सुनाऊंगा, सुनिए यार, हेडफोन लगा के सुनिए, बहुत मज़ा आएगा। इसका मतलब खतरनाक आवाज़ है। तो गाइज़, आपने ये आवाज़ सुना है तो यार रैकेट के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए कि ये रैकेट आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और मैं ये जो इसी वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा। मैंने ऑलरेडी मैंने BG66 अल्टीमैक्स लगा के मैंने लगभग 4 दिन खेले और एक दिन में लगभग 10-15 मैचेस खेल लिए। ठीक है, 10-15 मैचेस, सेट्स नहीं, मैं मैचेस की बात बोल रहा हूँ। ओके, तो आपको नीचे से ये एपेक्स का ये जो सिग्नेचर लोगो है वो आपको मिल जाएगा। एपेक्स जो मुझे पता है यूके का ब्रांड है, हाँ यूके की ही होगा, लेकिन ये मेड इन वियतनाम या फिर मलेशिया है। ठीक है, ओके। तो गाइज़ चलिए अभी मैं आपको ये थोड़ा सा रैकेट से आपको मार के सुनाता हूँ कि ये आवाज़ कैसा है। तो यार मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आपको ये रैकेट 800 पे मिल रहा है तो यार ले लो। मैं लिख के दे सकता हूँ, लिख के तो नहीं, सॉरी ये मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन मुझे जितना पता है कि आपको 1000 के अंदर इससे बढ़िया रैकेट कोई भी नहीं मिलेगा। एकदम 100% श्योर, इससे बढ़िया रैकेट आपको एकदम ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम मैच खेल के आते हैं और नए वाले रैकेट से मैच खेल के आते हैं और इसके बाद आपको बताते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करता है मैचेस में। ओके, BG66 अल्टी मैक्स और जो भी स्ट्रिंग है। ठीक है, चलिए आते हैं। तो गाइस स्वागत है आपका रिव्यू वाले सेक्शन में। मैं जो ये रैकेट का जो रिव्यू देने वाला हूँ ये मेरा खुद का ओपिनियन है, ना ही किसी ने मुझे पैसा दिया है, ना ही किसी ने मुझे, मतलब मेरे ये खुद के पैसे से ख़रीदा है, तो मैं एकदम जो मुझे ठीक लगा मैं वही बोलूँगा। ख़राब भी हो सकते हैं, अच्छा भी हो सकता है। तो आपको अगर ये लेने की सोच रहे हो तो यार ये वीडियो, आपको ये वाला पार्ट जो है आपको पूरा देखना चाहिए मेरे हिसाब से। तो पहले मैं आपको रैकेट का थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ये एक हेड हेवी रैकेट है तो इसके लिए, इस वजह से आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको हेड हेवी लिखा हुआ मिलेगा और जो दोनों तरफ है रैकेट के आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, शायद आप देख पा रहे होंगे, नैनोटेक फ्रेम और मिडल में नीचे को आपको एपेक्स का सिंबल, और जैसे मैंने बोला है लेफ्ट में आपको नैनोटेक फ्रेम आपको यहाँ पे भी मिलेगा। ओके, लेकिन यार एक डिसएडवांटेज ये है गाइस कि यहाँ पे आपको जो स्ट्रिंग्स है वो एकदम
एकदम यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो क्लैशेस में स्ट्रिंग टूटने के चांसेस है, या फिर अगर आपका टकराता है किसी ज़मीन से या फिर किसी और के रैकेट से, तो यह स्ट्रिंग टूटने के चांसेस है, ठीक है। लेकिन मेरा अभी सिर्फ 2 बार ही हुआ है, तो यहाँ पे अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो गाइज, इस वाले रैकेट में मैंने BG66 अल्टीमैक्स लगाया है, और जो शार्प जो देख रहे हैं वो लगभग ठीक साइज़ का, और यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रेफाइट 999 एकदम बोल्ड अक्षरों में लिखा है, और सपोर्ट वाले कैप में एपेक्स, और यहाँ पे आप देख सकते हो UK का फ्लैग का सिंबल, और यहाँ पे मॉडल नंबर। ओके ठीक है, तो गाइज मेरे हिसाब से जो लगा है मैं आपको एकदम सही से बता रहा हूँ, BG66 के जो मतलब जो कंपैरिजन में जो फ्लिपकार्ट ने जो भेजा है उसका कंट्रोल ज़्यादा अच्छा है, साउंड ज़्यादा अच्छा है, और BG66 का रिपल्शन पावर मतलब जो हिट होने के बाद जितनी तेज़ी से जाता है वो ज़्यादा अच्छा है जो फ्लिपकार्ट ने जो भेजा उस वाले रैकेट के तुलना में। और इस वाले रैकेट में आपको सेम सेम ही मिलेगा, लेकिन मैं ये चीज़ मुझे शायद आपको भी लग रहा होगा कि जो ग्रीन कलर है ना वो ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे वो जो ग्रीन कलर वो ज़्यादा शाइनी हुआ। येलो का कोई डल नहीं है, येलो मतलब मैट फिनिश में तो ऐसा ही आपको शाइनी मिलेगा, सेम दोनों ही मैट फिनिश में आता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो मेड इन वियतनाम लिखा हुआ है। ओके गाइस, तो गाइस मैच खेलने के बाद मुझे जो लगा है रैकेट बहुत ही अच्छा है, स्मैशेस मारने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अगर आप एकदम बिगिनर हो तो यार एकदम बिगिनर मतलब ज़िंदगी में कभी आपने बैडमिंटन नहीं खेला है, तो यार ये रैकेट आप मत लो। और यहाँ पे मैं शाफ्ट में जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख नहीं पा रहे होंगे, लेकिन मैं स्क्रीनशॉट लेके आप सॉरी फ़ोटो उठा के मैं आपको यहाँ पे डाल दूंगा। ओके गाइस, तो जो मैं बता रहा था, अगर आप एकदम बिगिनर हो तो यार ये वाला रैकेट आपके लिए नहीं है, ज़िंदगी बिना ज़िंदगी में आपने अगर कभी नहीं खेला है तो ये वाला रैकेट नहीं है। लेकिन अगर आपका गेम थोड़ा सा इम्प्रूव हो रहा है, और अगर आप अपना रैकेट को थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहते हो वो 400 350 500 वाले रैकेट से, तो गाइज दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन यू कैन गेट विद इन द प्राइस ब्रैकेट ऑफ 800 to 1200 गाइज, इससे अच्छा रैकेट आपको नहीं मिलेगा। और BG66 लगाने के बाद जो मतलब जो भी कंट्रोल है, और मैंने जो जो फ्लिपकार्ट ने वो वाला जो भेजा है लगभग आपको Nano 89 जो यूनेक्स का जो आता है जो कि इससे डबल का दाम डबल दाम में आपको मिलेगा, उसके लगभग आपको परफॉर्मेंस मिलता है, ठीक है, उसके लगभग आपको परफॉर्मेंस मिलता है। और ड्यूरेबिलिटी तो अभी फ़िलहाल आप मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि 5 या 6 दिन ही हुए, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। तो यहाँ पे आपको लेनिंग का आपको ग्रिप मिला जो कि मैं इसी में इसमें चलाने की मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि ये जो आपको जो मिलता है जो क्या बोलते हैं स्टॉक ग्रिप जो मिलता है, जो ग्रिप आपको मिलता है वो बहुत ही स्लिम है यार, आपको चलाना ही पड़ेगा, ठीक है। और मेरा हाथ भी थोड़ा सा मोटा है तो यार ग्रिप ही चलाना पड़ेगा। तो यार मैं एक चीज़ फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको ये 1200 से भी ऊपर का अगर आपको पड़ रहा है तो यार ये वाला रैकेट मत लो, कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढ लो, क्योंकि इससे शायद आपको अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। क्योंकि मैं जो प्रोफेशनल खेल रहे हैं मैं तो उनको तो मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद प्रोफेशनल प्लेयर नहीं हूँ, मैं आउटडोर्स पे खेलता हूँ, मैं कोर्ट पे भी नहीं खेलता, इंडोर कोर्ट में मैं नहीं खेलता। तो आउटडोर में खेल के जो एक्सपीरियंस हुआ है मैं उसी को मैंने बताया है, क्योंकि मेरे जैसे लगभग 90% जो लोग हैं इंडिया में वो मतलब सीजनल प्लेयर्स है, सच में बता रहा हूँ वो सीजनल प्लेयर्स है, तो उसी के उन्हीं के लिए मैं ये बता रहा हूँ, हिंदी का गड़बड़ है मैंने पहले भी बताया। तो यह आप देख सकते हैं कि ये ग्रिप बहुत ही स्लिम है। ओके तो गाइज मैं आपको कवर भी दिखा देता हूँ, कवर मतलब कितना घटिया है, तो गाइज ये आप देख सकते हैं लगभग ठीक ठाक प्राइस है रैकेट, मतलब 1000 में ये रैकेट एकदम गो टू गो, एकदम आपको लेना ही चाहिए।
और यहाँ पे आप देख सकते हो कवर का क्वालिटी मतलब घटिया से भी घटिया। ऐसा लग रहा है कि मतलब ये कैरी करके जब मैं लेके जाता हूँ ना, ऐसा लग रहा है कि मैं 200-300 का रैकेट लेके जा रहा हूँ। सच में बता रहा हूँ, प्रीमियम रैकेट मतलब मिडिल रेंज रैकेट, मैं प्रीमियम नहीं बोलूँगा, लगभग मेरे हिसाब से ये प्रीमियम है, ठीक है, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा एफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। ओके गाइस, मैं इससे ज़्यादा एफोर्ड नहीं कर सकता, तो मेरे लिए ये प्रीमियम है। तो मेरे जैसे बहुत लोग होंगे, तो यार थोड़ा सा अच्छा कवर एपिक्स को देना चाहिए था। अगर आप 100 रुपये भी आप ज़्यादा ले सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। तो गाइज, आपको शायद ये वीडियो में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको जानने को मिला होगा। तो यार थैंक यू गाइज वीडियो देखने के लिए। तो यार सब्सक्राइब भी कर देना यार। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo.